देखो फ्रेंड, जब बात आती है लोन लेने के लिए तो उसमें आज तीन चार चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला जो है फ्रेंड कि कंपनी जो RBI रजिस्टर्ड NBFC होनी चाहिए। इससे आपको ये फायदा रहता है फ्रेंड, जितने भी अमाउंट का आपको लोन मिलता है वो लोन अमाउंट आपको सीधा वर्क करता है। लोन अमाउंट जितना भी फ्रेंड आपको मिलेगा यहाँ से आपको करना क्या रहेगा, उसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट बहुत आसानी से, और वहाँ से इंटरेस्ट रेट भी आपको कम लगता है फ्रेंड, और अच्छा कम परसेंट ब्याज पर आप लोन के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड हमारे आपको एक किस्त बाउंस होती है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी पेमेंट नहीं करना पड़ सकता जितना आपको अदर कंपनियों में चार्जेस पे करना रहता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड आज की इस वीडियो जिस कंपनी में आपको बताने वाला हूं, वहां से मैक्सिमम आप 10 से 20 लाख रुपए का अगर लोन लेना चाहते हैं तो बहुत ही इजीली आसानी से ले सकते हैं, जिसका कंप्लीट प्रोसेस मैं इस वीडियो में दिखाया हुआ हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एप्स को ज्वाइन करिएगा फ्रेंड। सबसे पहले हम जानेंगे एप्स के बारे में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और कितना लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लेता है। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से साइड स्क्रीन में देखते चलना है। आप देख सकते हैं कई टाइप के लोन ये प्रोवाइड करवाते हैं, MSME लोन, होम लोन, फार्म लोन, बाइक लोन, ITR लोन, तो ये सभी लोन है फिर जहां से आप ले सकते हैं। यहां बताया गया 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहां से लोन के आवेदन कर चुके हैं। स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे फिर तो यहीं से देख सकते हैं, बताया गया है कि पर्सनल लोन, टू व्हीलर, फॉर्म इक्विटी लोन, माइक्रो लोन अगर आप लेना चाहे पढ़ाई लिखाई के लिए तो उसके लिए लोन भी ले सकते हैं। ये प्रोसेस देख सकते हैं, बताया गया नीचे आएंगे जहां से देख सकते हैं कई सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब अमाउंट कितना लोन ले सकते हैं, फिर से मिनिमम आप 50,000 और मैक्सिमम आप इसे 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर्स के ऊपर। अब समय की बात करूँ फिर तो 12 महीने से लेकर 60 महीने तक का ये लोन दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है देख सकते हैं, तो 10.5% लेकर 26% तक का लग सकता है। प्रोसेसिंग फीस आपको 3% तक का दिया गया। एक एग्जाम्पल के लोन के बारे में समझाया, अगर इसे आप चेकआउट करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। हम सिंपल इसमें आके साइन अप करते हैं फिर, तो इसके लिए इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ हूँ। ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे आप इस ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं आपको परमिशन मांगेगा, जहाँ से आपको करंट परमिशन, कैलेंडर के और एप्लीकेशन की लोकेशन परमिशन मांगता है। तो हम सिंपली इसे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये परमिशन मांगेगा, इसको अलाउ करेंगे। आपको जिस भी लैंग्वेज को आप आती है, जो लैंग्वेज आपसे हो तो वो लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अपना एक से मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालने के बाद इसमें अपना एक नंबर यहीं से फिल कर देता हूँ। अगर पहले इसमें से आपने KYC करके रखा हुआ फ्रेंड तो आपको सामने आ जाएगा जहाँ से अपना OTP डालने के लिए। अगर फ्रेंड इसमें पहले से लॉग इन नहीं किया हुआ है तो OTP डाल के साइनअप करेंगे, जहाँ से आपके नंबर में OTP भेज दीजिएगा। OTP डाल के आपको सिंपली साइनअप कर लेना है। इसके बाद अपना नाम और अपना यहीं से आधार कार्ड का नंबर डाल के इसमें लॉग इन कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहाँ से देख सकते हैं आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ आपको माई लोन के ऑप्शन दिएगा उसे देख सकते हैं, और लोन अप्लाई कितने की वो देख सकते हैं, और अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ से आप अप्लाई पे भी क्लिक करेंगे। अप्लाई लोन वाले ऑप्शन पे आएंगे फिर तो कई सारे आपको लोन देखने को मिलेंगे, जहाँ आप स्टूडेंट पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ टू व्हीलर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, हाउसिंग लोन है, HL बैलेंस ट्रांसफर है, लोन एजेंसी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स के आपको कई सारे ऑप्शन और भी दिए जाते हैं। अगर बिजनेस के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ बिजनेस के लिए ले सकते हैं, और यहीं से डॉक्टर्स बनने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। CA and CS के भी आप लोन यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। हम फ्रेंड इस वीडियो में पर्सनल लोन अप्लाई करके देखने वाले, तो देख सकते हैं आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे फ्रेंड अप्लाई लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो सीधा रिडायरेक्ट करेगा आपके वेबसाइट में ले जाके, जहाँ से आपको सभी फॉर्म को इसे फिल करना है। तो आपके सामने फ्रेंड कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहाँ से प्रोसेस करेगा। देन आपके सामने पर्सनल सारी डिटेल फिल करने के लिए आएगी। इसके बाद फिर आपको बताया जाएगा आप कितने लोन के लिए इसे एलिजिबल हैं। आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, सबसे पहले आपको अपना इसे फर्स्ट नेम फिल करना, जो आपका फर्स्ट नेम रहेगा उसको फिल करेंगे, एंड अपना आपको इसे मिडिल नेम फिल करना है, लास्ट नेम फ्रेंड आपको यहाँ से फिल करना है। इसके अलावा बताया अगर आपको DOB फिल करनी है तो जो भी आपकी DOB रहेगी उसको फिल करना है। सबसे पहले अपने ईयर को इसे सेलेक्ट करेंगे, ईयर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको मंथ सेलेक्ट करेंगे एंड इसको DOB को फिल करना है। फिर आपको ना एक मोबाइल नंबर इसे डालेंगे, आपके नंबर में OTP सेंड की जाएगी, OTP डाल के आपको नंबर को वेरीफाई करना है। अपना फिर जेंडर को सेलेक्ट करेंगे, फिर अपने आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ से फिल करना, आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद अपने पैन कार्ड का नंबर फिल करेंगे एंड फिर आपको वैलिडेट पैन कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने पैन कार्ड को आप सिंपली इसे वैलिडेट करेंगे। इसके अलावा नीचे आएंगे तो अपनी एक ईमेल आईडी आपको यहाँ से फिल करनी पड़ेगी फिर, तो जो भी अपना ईमेल आईडी देना चाहे तो वो ईमेल आईडी यहीं से फिल कर सकते हैं। एंड पूछ रहा है इंटर करंट रेजिडेंशियल कोड, तो जो भी फिर आपके अभी यहाँ से करंट जहाँ रह रहे हैं वहाँ का जो एड्रेस रहेगा फिर उसको आप यहीं से फिल करेंगे, जो भी आपका पिन कोड रहेगा। फिर पूछ रहा है आप किस टाइप के पर्सन है, क्या आपके पास सैलरीड पर्सन है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं। आपके पेज में अगर आप सैलरी पर्सन को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में अगर सेल्फ एम्प्लॉय मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। पूछ रहा है फ्रेंड की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, MBBS, MD, CA, मास्टर ग्रेजुएशन, नॉन ग्रेजुएशन। अगर आपने मास्टर किया तो उसको सेलेक्ट करेंगे। एनुअल इनकम पूछ रहा है आपकी एनुअल इनकम कितनी है, तो उसके बारे में इसे बताया गया, जहाँ देख सकते कई सारे ऑप्शन मिलेगी कि आपकी एनुअल इनकम जहाँ से 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में, 5 लाख से 10 लाख, या फिर 10 लाख से 25 लाख के बीच जितनी रहेगी आपको उसको सेलेक्ट करेंगे।
फिर इसके बाद पूछ रहा है फ्रेंड आपका रेजिडेंशियल टाइप क्या है, तो अपने रेजिडेंशियल टाइप को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर फ्रेंड आप ऑनर है तो ऑनर को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप रेंटेड है तो रेंटेड को सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपके केस मिलेगा उसको यहीं से सेलेक्ट करना है। फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे फिर तो देख सकते बता रहे आपको यहीं से मैक्सिमम 7 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं और मिनिमम आप यहीं से 50,000 का लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप इस तरीके से अगर आप चाहे तो अपने लोन अमाउंट को कम ज्यादा भी करना चाहे तो लोन अमाउंट को आप यहीं से कम ज्यादा कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। फिर आपको सिंपली यहीं से टाइप करना चाहे तो टाइप करके भी लोन के लिए आवेदन कर, जैसे मान लिया आपको 48,000 के लोन के लिए आवेदन करना तो 48,000 आप इस तरीके से आ जाएगा। फिर पूछ रहा है कि पर्पस ऑफ लोन, आप लोन क्यों लेना चाह रहे हैं, क्या पर्पस है फ्रेंड। तो आपको देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन मिलेगा, पर्सनल बैलेंस ट्रांसफर, पर्सनल फैमिली सेलिब्रेशन, आपको पर्सनल मैरिज, यहीं से कंज्यूमर बात है, वर्किंग फॉर्गेनिंग, जो मेडिकल रहता है, मेडिकल ट्रीटमेंट इशू रहता है, जो भी आपको ऑप्शन रहेगा उसको सेलेक्ट करें। जो भी आपका पर्सनल रीजन है वो रीजन आपको इसे फिल करना है। फिर पूछ रहा है सेक्टर एंड इंडस्ट्री क्या, आप जहाँ से आप सेल्फ जॉब करते हैं या फिर आप सैलरीड पर्सन है तो उसकी इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री को आपको इसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर नीचे आएंगे स्क्रॉल करके देख सकते हैं बोला रेजिडेंशियल टाइप क्या है, क्या आप इंडियन है या फिर नॉन इंडियन। अगर फिर आप यहीं से इंडियन है इसको सेलेक्ट करेंगे एंड टर्मों को एक्सेप्ट करेंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट का, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक डिस्क्लेमर यहाँ से दिया गया, फिर डिस्क्लेमर देख सकते हैं जहाँ से बताया गया है कि जो एम्प्लॉय एजेंट अगर आप यहीं से नॉन ऑथोराइज रहते हैं तो यहीं से आपको अप्लाई करना है लोन के लिए ये चीज़ें, तो आप एक बार इसे रीड करिएगा। फिर इसके बाद फिर आपको एक सारी जानकारी यहीं से फिल करनी है, जब आप यहीं से कंप्लीट जानकारी आप फिल कर देंगे फिर आपको यहीं से एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा आप कितने लोन के लिए यहीं से एलिजिबल हैं। इसके बाद फिर देखेंगे जितने का आप लोन अप्रूव होगा उसका आपका अमाउंट यहां से देखने के लिए मिलेगा, तो अमाउंट आप देख सकते हैं। और इस अमाउंट को अगर आप कम ज़्यादा करना चाहे तो आप यहां से अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 1,70,000 रुपये का लोन ले सकते हैं, मिनिमम आप यहां से 50,000 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको टाइम भी यहीं से बताया जाता है, अगर आप टाइम को भी देखना चाहे देख सकते हैं 36 महीने के लिए लोन मिलेगा और ये मिनिमम आपको मिलता है फिर यहीं से देखेंगे 12 महीने के लिए। एस्टिमेटेड इंटरेस्ट जो इन्हें बताया जा रहा है फिर 18% का रहता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। अब L&T फाइनेंस की तरफ जो सबसे अच्छी चीज़ होती है फ्रेंड कि वो आप नॉमनी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर में से किसी को अगर आप नॉमिनेट करना चाहे तो आप यहाँ से नॉमनी ऐड कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले यहीं से नॉमनी का नाम डालेंगे, नॉमनी की आप DOB यहाँ फिल करेंगे, देन फ्रेंड आपको उनके जेंडर को सेलेक्ट करना है, जेंडर जो भी रहेगा सेलेक्ट करेंगे। पूछ रहा आपसे रिलेशन क्या है विथ एस, यानी जो अप्लीकेशन है उनका रिलेशन क्या है नॉमनी से, तो रिलेशन आप यहाँ से फिल करेंगे, नॉमनी का मोबाइल नंबर डालेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर इसके बाद बोला जा रहा है कि आपको डिजिटल ई साइन करना, आपको EKYC करनी पड़ेगी। EKYC करने के लिए आपकी इस टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद फिर लिखा गया डायरेक्ट टू DigiLocker, आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली आपको करना क्या, फिर यहाँ से इसको जो DigiLocker की परमिशन देंगे यानी इसे ऑथराइज आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने यहाँ आपको अपने आधार कार्ड का जो नंबर है उसको फिल करेंगे, इस कैप्चर को आपको यहाँ से फिल करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद फिर जो आधार कार्ड का मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP आपको फिल करना है एंड सबमिट पर क्लिक करना है, देन फिर यहाँ से अलाउ करना है आपको। अब इसके बाद देख सकते हैं इतना स्टेप आप यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं। फिर बोला जा रहा है कि आपको अपलोडिंग कंप्लीट करना है, जहाँ सबसे पहले आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने एड्रेस डिटेल को आपको इसे कंफर्म करना है, सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इनसे सिंपल सा प्रोसेस में सबसे पहले पूछ रहा है कि आपको एड्रेस प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना, अगर आपको सबसे इजीली रहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर और बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो आप उनकी लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड, जहाँ से आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे आप इनमें से कोई भी देख सकते हैं, जिसमें नेशनल पॉपुलेशन सर्टिफिकेट है, मोबाइल वहाँ से जो पोस्टपेड का बिल दे सकते हैं, म्यूनसिपल आपको प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव है, जॉब कार्ड जो नरेगा को उसे दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, या फिर आप पासबुक देना चाहे तो दे सकते हैं। इनमें सबसे इजीली जो यहाँ से आपको अवेलेबल है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है मेरे केस में, तो उसको सेलेक्ट करेंगे एंड फ्रेंड आपको फोटो को अपलोड करना है, जिसके लिए आपको सिंपली इस दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो गैलरी से आप अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड, या तो आप चाहे तो सीधा कैमरा चालू कर कैप्चर कर सकते हैं। याद रखिएगा आपको 2 MB से ज़्यादा का फोटो नहीं होना चाहिए, आपको यहीं से जो लिमिट है 2 MB की रहती है, इसमें आपको अपलोड करना एड्रेस प्रूफ। इसके साथ साथ फिर आपको अपने एक फोटो को अपलोड करना है, उसकी भी आपको साइज यहीं से 2 MB रहेगी, उसको फिल करेंगे एंड आपको एड्रेस फिल करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको सबसे पहले फ्रेंड देखेंगे तो यहाँ से आपको सबसे पहले अपने एड्रेस लाइन में फिल करना है, एड्रेस लाइन फर्स्ट आपको यहाँ से फिल करना है एंड एड्रेस लाइन सेकंड में आप फिल करेंगे, आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ से फिल करना है, आपकी सिटीज़ क्या लगती है उसे डालेंगे, आपका स्टेट क्या है उसे फिल करेंगे एंड इस टर्म को एक्सेप्ट करेंगे एंड सिंपली नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन फ्रेंड आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट को ऐड करना है, ई साइन करना है, यहाँ सबसे पहले आप SC कोड फिल करेंगे अपने बैंक का एंड बैंक का नेम आपको फिल करना है, बैंक अकाउंट का नंबर आपको फिल करना है एंड बैंक अकाउंट नंबर को आपको कन्फर्म करके नेक्स्ट करना है। अब पूरी समरी आपके सामने इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगी, आपका लोन अमाउंट टोटल कितना है उसे आप यहां से देख सकते हैं, जो कि 1,55,845 रुपये का आपको टर्न कितना मिलेगा, कितने महीने के लिए देख सकते हैं, आपकी EMI कितनी रहेगी वो देख सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना लग रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। ये सारी जानकारी चेक करने के बाद आपको ई साइन पर क्लिक करना है एंड प्रोसीड टू ई साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद फिर आप देखेंगे 10 रुपये के एक ई साइन करने का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली यहाँ पास अपनी डिजिटल साइन करनी है, तो आपको इस एरिया में अपना डिजिटल साइन करेंगे एंड ई साइन नाउ पे क्लिक करेंगे।
फिर इस प्रकार देख सकते हैं फ्रेंड आपका लोन सक्सेसफुली अप्रूव हो जाएगा। उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी, वो डिटेल आप देख सकते हैं। एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहीं से होम पे आएंगे तो इस तरीके से आप इससे लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे एलएनटी द्वारा लोन के लिए आवेदन करना चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं, मैंने उसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाया हुआ है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद होगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। मन में कोई भी सवाल होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट किस लोन एप्स में आप वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए फ्रेंड सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल पर आपको इसे इंटरेस्टिंग लोन के वीडियो मिलते रहेंगे। और एक इंटरेस्टिंग मैं आपसे बहुत मिलूंगा फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।